अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान पर अब बुलडोजर एक्शन। मोहित खान की बेकरी सहित कई संपत्तियों पर ये एक्शन शुरू। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी और आज फिर से राजस्व विभाग की टीम यहां पहुंची। मोहित खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है। मोहित खान की बेकरी भी बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया है, बेकरी सील कर दी गई है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिकचंद सिंह ने कार्रवाई करते हुए कहा कि आरोपी की बेकरी का लाइसेंस रद्द होगा। वहीं रेप के मामले में सुलह नहीं करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता को यह धमकी अस्पताल में दी गई। परिजनों को सुलह नहीं करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता और नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता अजय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि ये सपा नेता नाबालिग रेप पीड़िता से सुलह नहीं करने पर धमकी देने के लिए अस्पताल गए थे। FIR में कहा गया कि सपा नेता व नगर पंचायत बदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और अन्य के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी रात को 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दे रहे थे। पिपरी भरतकुंड निवासी रामसेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता फिलहाल जिला महिला अस्पताल में भर्ती है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी से रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन बाद में जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए, और फिर SP के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। हमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने कल शुक्रवार को लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान CM ने सपा नेता मोहित खान सहित अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और इसके बाद अब थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर भी एक्शन हुआ है। साथ ही आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है और आज ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तो मोहित खान की बेकरी सहित कई संपत्तियों पर ये एक्शन शुरू हुआ है।